वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। किसको देखने हैं? आरती को देख रहे हैं। लड़की गए हैं लड़की को देखने। अब क्या करें? हमारा ब्लॉग जाएगा आरती को देखने। इतने सारे लोग जिनको हमने बाहर से कोल्ड ड्रिंक पिला के भेज दिया। जैसे समझी आ रहा है वैसा कर रहे हैं। इतना खबर दबर। तो गाइस हम लोग बैठ के गोलगप्पे चैलेंज की प्लानिंग कर रहे थे। अब वो ले जाएगा, अब ले जाएगा वो कहीं। अब उसी में लगा रह जाएगा। हमें लाने भी नहीं दिया। गोलगप्पे मंगा रहे थे कि हम तीन जन चैलेंज करेंगे। देखो आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब मुझे ना ये फिर दाना निकल गया। ये बंद हो गया था बीच में निकलना। पापा अच्छा हाँ आज वो करेंगे ना, चलेगा ना सर, तो आज पूरा फिक्स कर देंगे। कन्या देखने गई थी, कन्या देखने हमारे गांव में से कन्या देखने जाते हैं ना, ऐसे भाभी लोग कन्या देखने गई थी। ये लोग इनकी हम बात कर रहे हैं। उनके पूछ रहे बहू कैसी लग रही है, मुझे इतने दाने निकल गए। सो मैं आप उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, सारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आपको सोच रहे हो क्यों पी रहे हैं, क्यों इतनी सारी बातें हो रही थी। आगे मैं क्लिप जो है वो ऐड कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा हम किस पर इतना मस्ती मजाक कर रहे थे। और मैं भाभी लोग से बात कर लूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। सो गाइज तो अभी आपने देखी भीड़ साफ आ रहा है, इधर से साफ नहीं आ रहा, मुझे उधर बैठना पड़ेगा। इधर की रोशनी है, इधर घर है ना, इसलिए साफ नहीं आ रहा। शाम का टाइम है, मतलब ये वाला मौसम, ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल इवनिंग वाला। मैं आपको दिखाती हूँ यार, मैं कितनी लेजी हूँ ना, कितनी आलसी हूँ। माइक खरीद के दिया उन्होंने, लेकिन एक दिन भी मैंने यूज नहीं किया माइक। कब साफ आ रहा है ना, माइक यूज़ करूँ तब वो वॉइस जाएगी। आप लोग बोल रहे हो वॉइस की दिक्कत है, अब मैं सोच रही हूँ चलो छोड़ो, अब क्या ही निकालूँ, अब देखा जाएगा कब यूज करना है। तो अभी आपने देखा कुछ लोगों का ग्रुप जो कि आए हुए थे, तो ये विधायक थे और पापा जो है मेरे इस सेक्टर के प्रधान हैं, हिंदू जन कल्याण है उसका अध्यक्ष है। तो एक जो रिप्रेड होते हैं वैसे हैं पापा, तो इसलिए सब लोग साथ में थे, पापा भी हम लोग साथ में थे। तो ये शायद इलेक्शन होने वाला है क्या, वही सारे लोग थे। पापा ने मिलवाया, पापा को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने मिलवाया तो। और बाकी यही सब है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बता दो, इंट्रोड्यूस करवा दो कि क्या करते हैं आपके पापा और भाई। तो मैं आपको बता दूँ, पापा पहले मेरे जॉब करते थे, बट अब अभी जब आपने देखा था गृह प्रवेश का मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ था मायके में, येलो साड़ी जब मैं पहनी थी, तो उस टाइम से हमारा ये शॉप नया जो है वो ओपन हुआ है। रक्षाबंधन के टाइम पे शायद ओपन हुआ था, रक्षाबंधन के टाइम पे ओपन हुआ था, तो उस शॉप पे रहते हैं। और बाकी जो मैंने अभी बताया कि प्रधान ने जो भी सब, और जो बड़ा वाला भाई है बीटेक है, बट वो जॉब नहीं करता, उसकी खुद की कंपनी है। किसी ने कमेंट किया हुआ था मेरे ब्लॉग में, देखा शॉप पे, तो हम मैं और पूजा आइसक्रीम खाने गए थे, कि आपका भाई क्या कुछ नहीं करता क्या, जो दुकान पे बैठता है कुछ भी नहीं, मेरा भाई जॉब नहीं करता कैसे। मेरा भाई के कंपनी में कई लोग जॉब करते हैं, सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इतना वो नहीं है दुकान पर हम दिख गए तो कि हम दुकान पर बैठते हैं नहीं, हम अपना कुछ खाने गए थे, हमें आइसक्रीम मिलता वहाँ पे रहता है तो हमें आइसक्रीम खाने का मन करता है तो हम चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही हम रात में गए थे खाने के लिए, तो विशाल वहाँ पे कोई आया
पापा सामने थे, मैंने उस व्लॉग में दिखाया हुआ भी है कि पापा उधर थे, तो इसलिए उसने सामान उठा के दे दिया। छोटा वाला जो भाई है वो भी MCA है और वो भी नोएडा के एक कंपनी में जॉब करता है, बहुत बड़ी कंपनी में। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही है, मेरी जो फैमिली है, छोटी सी फैमिली, और इनका जो व्यवसाय, क्या बोल सकते, जो काम धंधा है, यही है, यही करते हैं अपना, उनके लिए, मेरे पापा के लिए, उनके बच्चे, उनकी पूंजी है, उन्होंने एक अच्छा एजुकेशन दिया हुआ है। खैर, मेरा एजुकेशन तो रखा हुआ है, बट सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ। मेरा जो कुछ डिसाइड किया हुआ है, मैंने बोला हुआ था अपने हस्बैंड से बहुत पहले, फिर थोड़े से हम रुक गए थे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, चलो ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड सेकंड जो चीज़ है कि हमारा जो NGO वाला काम है, वो NGO वाला काम अब उसमें लगना है, उसका जो काम है वो करना है, स्टार्ट करना है उसमें अब, क्योंकि उसमें भी ना थोड़ा सा टाइम लगना था, कुछ सर्टिफिकेट, कोई चीज़ें जो है ना आने में, तो वो सारी चीज़ें जो है अब, एक चीज़ एक तो आ गई थी जो थोड़ा लेट आती है, वो आने वाली थी, तो सब कुछ हो जाए फिर हम उसमें लगते हैं। और बस आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मैंने ना ये वाली ड्रेस पहनी थी, आपने देखा होगा जो पीछे ब्लॉग, बहुत सुंदर सा कॉटन था ये फ्रॉक, ये भी ना मतलब ये वन पीस है, बट मैंने ऐसे पहन लिया, पहन के उनको एक्स्ट्रा शूज़ भी लाई हूँ, बट नहीं पहना, क्योंकि कहीं जाना होता है ना यार, मतलब सच्ची बता रही हूँ, घर में रहना होता है तो मैं बिल्कुल ऐसी रहती हूँ, दो रूप है मेरे, जब कहीं जाना हो तो फैशन मार लो, कुछ भी पहनो, स्टाइल मारो, ये वो, कहीं जाना नहीं था तो क्या मैं स्टाइल मारती, फैशन मारती, इसलिए नहीं पहना। तो अभी मेरा भाई बोला था कि गोलगप्पे खाने के लिए बोला, हमने बोला ना कि हम ननद भाई मिलकर चैलेंज करेंगे गोलगप्पे चैलेंज, फिर उससे बात की तो बोल रहा मैं आ रहा हूँ, मैं शॉप पर ही लेके जाता हूँ, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ वहाँ घूमने लग गया, पता नहीं अब कितनी देर में आएगा, लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, अंधेरा हो गया, क्या करें, चले मिलते हैं थोड़ी देर में। बोलो कितने बजे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने बजे आएंगे, हम वैसे जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ, रेस्टोरेंट, हाँ पता था आपको, क्या करने जा रहे हैं, पहले बताओ क्या करने जा रहे, बोलो डिनर, डिनर जा रही हूँ, घूमने तो जाएंगे, मौज है, मौज है, खूब डिनर करा, हम 9 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है, चले तो चलो चलो चलो, लग जाएगी बेटा, लग जाएगी आपको, चलो चलते हैं। और धनु ने बोला है, नहीं विशाल मामू आजकल बहुत डिनर करवा रहे हैं ना, मस्त मस्त वाला, हाँ, कौन कौन ये इधर देखने लगी लाइट पे, कौन बताओ, भैया भैया दोनों जनों को ये बैठना है, कहाँ है भैया, ओ ओ कहाँ है भैया, बमनी भैया कहाँ है भैया, भैया को हक कर लो, हक कर लो भैया को, पकड़ो नहीं बैठोगे तो मुंह पे चोट लगा लेगी, इधर दे दो, हक कर लो, वाह वाह, बस बस बस, अब मुझे दे दो, रोने लग जाएगी, इधर हो, पहले आगे कर बैठो, आगे सीधा, अभी तो उस दिन का याद है ना, फटाक फटाक लगा था, गुस्से दिखा रहा है, हाँ डांट रहे हैं, हाँ डांट रहे हैं, ये मच्छू ऐसा गिर जाओगे, बस बहुत हो गया, अच्छा चलो आरती रख दो, दरुस हो गए फाइनली जा रहे अपना डिनर करने के लिए, तू कपड़ा खरीदने आ गई क्या, कि झोला खरीदने आ गई, यहाँ पे हम खाना खाने आए थे, तो यहाँ पे एक शॉप था जहाँ पे स्टॉल वगैरह था, आरती का स्टॉल लेना था, तो ये पूजा आरती जाके देख रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, भाग जा रही थी, क्या है बच्चा, ये लोगे आप, हाँ ले लो,
खोलो कर। वो तो से एडिट करना पड़ेगा ऐसा पार्ट दिखा मुझे नहीं पता था ना इसीलिए मतलब अभी खींची हूँ। अब लोग सोच रहे हैं पूजा क्यों पैकिंग कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मैं बहुत जल्दी में निकलने वाली थी थोड़ा सा किसी बात से, तो मैं उससे मैं रेडी हो जाती हूँ पूजा पैकिंग कर देती हूँ, लेकिन अब नहीं जा रही हूँ, अब मैं कल जाऊँगी। मेरा तो भी एक और सूटकेस होगा, हाँ यार्ती पहन लगी, वो मेरे हाथ पे वो हो रहा है। ये पानी मैं अपने लिए रखी थी, उठा ली, पी भी ली और लेके चल दी, जाकर सूटकेस में डाल देती धूम, है ना? ओम नमः शिवाय। हाँ कहाँ गिर गया बताओ? इधर गिरा ही होगी, कहाँ गिर गया? जा हाँ देखा झांक के लोगो था आपके ऊपर गिर गया है। अच्छा यहाँ गिर गया बच्चे को, ओली बाप ले, बुआ ने तो देखा ही नहीं सच्ची में। थोड़ा मैं थोड़ा बुआ का कपड़ा ठीक कर दो, सारा रख दो, पैकिंग कर दो बुआ का। क्या ना मेरे सारे कपड़े जो हैं वो ऑफ कैमरा ही पैक हो रहे थे, पूजा कर रही थी, ये बाद में मैंने शूट किया जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना, तो पूजा ने बोला कोई बात नहीं दीदी आपको कल तो जाना ही है, तो पैकिंग कर लेते, क्योंकि मुझे संडे को जाना था ना, सैटरडे को अचानक से फ़ोन आया तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए अभी, लेकिन फिर मामी जी ने फिर फ़ोन किया और मुझे बोला कि नहीं काम नहीं ठीक है वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है तब संडे को जाना है तो मैं संडे को ही जाऊँगी, तो पैकिंग का मैंने सोचा कि अपना व्लॉग बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर शूट कर रही थी। और जैसे ही मैंने पैकिंग कर ली और करके रख दिया, उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास फ़ोन आया और मामी जी ने बोला कि नानी जी को बासी छुआया जा रहा है, इतना कुछ मतलब कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात की ना, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है नानी जी का, बस बासी छुआने का कह रहे हैं कि बासी छुआ देते हैं, तो इसमें दो ही चीज़ होता है मुझे बताया यहाँ पे लोगों ने कि बासी दो चीज़ों के लिए छुआया जाता है, या तो ग्रह कट जाता है या फिर मतलब कि जिसको जाना होता है वो चला जाता है, उसको कष्ट नहीं होता ऐसा कुछ होता है हमारे में, तो मतलब कि मम्मी ने बोला कि उनकी एज इतनी हो गई है तो थोड़ा तो मतलब कि यही सोच के जाओ फिर, लेकिन तुम निकल जाओ चले जाओ। फिर मैं फटाफट से जो भी कपड़े वगैरह तो जो भी पैक हुए थे वही मैंने लिया, और तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं और कैसे भी करके, और वहाँ से मैंने कैब बुक किया और बाबू को लेके, और फिर मैं वहाँ से निकली बिकॉज मुझे नानी जी से मिलना था, और मैं फटाफट से मम्मी ने खोइंचा दिया और मैं कुछ भी तैयार नहीं हुई, ये साड़ी मुझे मौसी ने दिया था, उनके घर आई थी ना मैं तो इसलिए शादी में आई थी इसलिए, और मुझे उन्होंने बुलाया था खोइंचा वगैरह सब देती, लेकिन मैं कहीं नहीं गई, मैं यहाँ से अपना रेडी होकर निकल गई। विवेक का फोन भैया चल 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 आओ चल आओ चल आओ वो खड़ा कर रहे हैं क्योंकि गिर जाओगे, छोड़ दो उठो गिर जाओगे, वो हिलने वाला है ना, जाना है चलो चल 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 चल। मम्मी को पता चल गया था कि मैं जा रही हूँ उसे छोड़ के, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने ले लिया, गाड़ी में से भी नहीं उतर रही थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्या बताऊँ, और मेरा वो था मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया वगैरह कुछ भी, और मैं बस निकल गई वहाँ से।
आपको एक बात बता दूं, नानी जी जो है ना ये बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थी। मतलब उन्होंने ऐसे कर्म किया है ना कि उन्होंने सेवा नहीं करवाया किसी से भी। वो अभी वो थोड़ी सी गिर गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता चला था उनको चोट लग गया था, इसलिए वो बिस्तर पकड़ ली थी। वरना वो अभी तक इस उम्र में भी अपना सारा काम खुद से करती थी। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी हो, किसी की लाइफ जहाँ तक हो, उनकी लाइफ ऐसी हो कि वो किसी पे डिपेंड ना हो, बाहर ना बने, अपना खुद से कर ले, वरना एक टाइम के बाद ना सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन नानी जी पता नहीं क्या कहते हैं लोग, कर्म ही तो कहते हैं। खैर, कर्म का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कब, किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या हो। यहाँ पे मैं गाड़ी में आगे बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है गाड़ी में, आपको पता है। मेरे साथ साथ धनु को भी होती है, तो धनु हमेशा कहते हैं कि हम आगे बैठ जाते हैं, लेकिन ये कैब वाले, हम बैठ तो गए थे, कैब वाले भैया बोले कि आप बैग आगे रख दो, मैं खिड़की खोल दूँगा, आप लोग पीछे बैठ जाओ। तो आपको पता है, उनको पता है, उन्होंने देखा वीडियो बनाते हैं, तो उनको लगा होगा कि पता नहीं क्यों वीडियोज़ बना रहे हैं। तो फिर मैं जाके पीछे बैठ गई और खिड़की उन्होंने खोल दिया, तो आराम से आ गई। गाइज़, यहाँ पे मैं आई और डायरेक्ट मैं मामा जी के घर ही आई थी। मैं नानी जी से मिली, जो कुछ भी होता है सारे विधि विधान सब कुछ किया, बट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी नानी जी अब हमारे बीच नहीं रही।